हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमने पिछली बार देखा था साइंस टेक के, और उसके पहले देखा था एनवायरनमेंट के, पूरे जून से लेके जुलाई से लेके दिसंबर तक। तो अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो ये आई लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम और रोल नंबर। मैंने यूपीएससी प्रीलिम 2022 का क्लियर किया है और मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस जुलाई से लेकर दिसंबर तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली न्यूज है सीपेक। सीपेक मतलब क्या? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पे आप लाइन देख सकते हो, ये पूरा कॉरिडोर जो है वो सीपेक की है, और सीपेक जो है वो 3000 किलोमीटर का लॉन्ग रूट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइन है वो पूरा 3000 किलोमीटर लंबा रोड ही है, और ये कनेक्ट करता है जिनजियांग प्रोविंस जो कि चाइना में है, उधर से लेके पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक का। और ये बायलैटरल प्रोजेक्ट है। मतलब क्या बायलैटरल? मतलब क्या दो देशों के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला, तो मतलब चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये प्रोजेक्ट है। इसमें क्या क्या रहेगा? तो ये हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन अकम्पनीड बाय एनर्जी, इंडस्ट्रियल और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे ये प्रमोट करेंगे। मतलब कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये चाइना यहाँ से रोड बना रहा है। और एक अलग एंगल भी है, क्योंकि चाइना को पूरा इनसर्कल करना है इंडिया को, तो उसके लिए भी ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी अपना रहा है। मतलब पूरा इंडिया को यहाँ से आप देख सकते हो, श्रीलंका पे कब्जा किया, ऑलमोस्ट बांग्लादेश के कुछ पोर्ट्स लिए है, श्रीलंका में हम्बनतोता गैस पोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे इजिप्ट में भी कुछ तो पोर्ट लिया है पाकिस्तान से। मतलब पूरी तरह से इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है चाइना। और ये देख सकते हो आप, ये जो लाइन है कश्मीर से भी गुजर रही है, और जो कि इंडिया का पार्ट है, पर ये उन्होंने पूरा नजरअंदाज करते हुए इन्होंने बोला है कि यहाँ से हम रोड बनाएंगे। तो इसलिए हमारे सॉवरेंटी पर एक क्वेश्चन भी आता है कि ये इसलिए हम इसे अपोज भी कर रहे हैं। और एक चाइना को ये भी फायदा है कि अगर इधर से ये रोड बनाया तो यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया, सॉरी सऊदी अरेबिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उससे कनेक्शन भी बना रहेगा इनसे, क्योंकि इनको काफी ज्यादा घूम के जाना पड़ता है, पूरा साउथ अपना साउथ चाइना सी, फिर अरेबियन सी, फिर इंडियन ओशन, और फिर इधर से पूरा ऊपर जाना पड़ता है। इतना लॉन्ग रूट से अच्छा है तो ये सीधा 3000 किलोमीटर का रेंज आराम से कर सकते हैं। तो वही था, ये कनेक्टिविटी और बढ़ेगी इनकी। और जो सीपेक है वो एक पार्ट है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का। अगर बेल्ट और रोड इनिशिएटिव पता नहीं रहेगा तो एक चाइना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, जो तो पूरे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट जो एशिया और यूरोप जो है वो पूरा कनेक्ट करके एक रोड बनाएगा उनके कनेक्टिविटी के लिए, और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा पूरा चाइना उठाएगा। मतलब इतना पैसा इनके पास। और ये डोमिनेंस भी दिखाएगा कि देखो अभी यूएसए सुपर पावर नहीं है, अभी हम सुपर पावर होने वाले हैं, ऐसा ये संकेत भी देता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च कर रही है। और कुछ कुछ देशों ने तो हाँ भी किया है कि ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, उसके बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये BRI जो है, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, वो 2013 में लॉन्च किया था, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, ये पूरा जो लैंड मास है पूरा लैंड और सी रूट करेंगे ये। तो अभी सीपेक के इम्प्लीकेशंस क्या है? जैसे मैंने कहा कि इंडिया के सॉवरेंटी पर क्वेश्चन आएगा, और चाइनीज का पूरा कंट्रोल हो जाएगा ट्रेड के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड अपने सी पर ही होते हैं, तो ये भी इनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने कहा, चाइनीज का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब क्या? मोतियों की माला। जैसे ये एंसर ऐसा एक माला रहती है, तो वैसे ही ये इंडिया को माला की तरह ऐसा घेरना चाहते हैं। और इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान एज एन आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, मतलब क्या कर रहे हैं अभी? अभी समझो यहाँ पे उन्होंने रोड बना दिया, तो इनको कुछ भी अगर वॉर भी हो गया तो इधर से आउटसोर्स करके यहाँ पे अटैक करना इनके लिए आसान हो जाएगा, तो ये डेस्टिनेशन पॉइंट हो जाएगा इनके लिए। तो ये था पूरा इसके इम्प्लीकेशन, क्या क्या हो सकते हैं इंडिया के लिए। तो मेजरली तो ये इम्प्लीकेशन वगैरह सब मेंस में पूछ सकते, पर मेजर जो यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू था वो पहले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया है। अभी देखते हैं प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज समटाइम्स मेंशनड इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ, मतलब बेल्ट और रोड इनिशिएटिव एक न्यूज में काफी चर्चे में था, तो ये किसके रिगार्डिंग है? तो ये आपको पता हो गया रहेगा, ये चाइना के रिगार्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते हैं। तो अब है I2U2 इनिशिएटिव। अब ये क्या है? सिर्फ इतना टर्म देके भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या है। I2 मतलब क्या, हम देखेंगे आगे। तो पहली वर्चुअल समिट हो गई थी जुलाई 2022 में, तो इसकी वजह से ये न्यूज में था I2U2। तो इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं। तो ये I2 क्या है? तो इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ये यू के दो, आई के दो, इसलिए I2U2। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? I2U2 जो है वो अक्टूबर 2021 में बनाया गया था अब्रम रिकॉर्ड्स के ऊपर। मतलब अब्रम रिकॉर्ड्स किसके बीच में था? तो इजराइल और यूएई के बीच में।
ये आप याद रखिए, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये रिकॉर्ड्स क्या कंसर्न करते थे, तो मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया था। और उस समय पर ये इसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कहा जाता था, और इसे वेस्टेशन कॉड भी बोला गया था। मतलब ये इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि इसी पर क्वेश्चन बना सकते हैं, ये इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन किसके बीच में है, तो इसराइल, यूएई या फिर I2U2 इनिशिएटिव के अंडर भी कुछ भी एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं ये। तो अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इंडिया के लिए, इमेंस पॉइंट ऑफ व्यू पर फिर भी मैंने पॉइंट अच्छा, मतलब और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डाला है। तो इसका एडवांटेज क्या रहेगा, तो इंडिया के लिए एडवांटेज ये है कि ये इंगेजमेंट हमारा डीपन हो जाएगा किसके साथ, इसराइल के साथ, क्योंकि इसराइल के साथ अगर हम संबंध बनाते हैं तो थोड़ा यूएसए को प्रॉब्लम होता है, इवन जो यूएसए बोल रहा, सॉरी यूएई को प्रॉब्लम होता है, तो फिर इसकी वजह से कुछ रिस्क नहीं आएगा इसमें यूएई के साथ और उनके अदर अरब स्टेट्स के साथ। तो ये एक एडवांटेज हो गया। उसके बाद मार्केट, मार्केट का काफी ज्यादा है इंडिया का, देखा जाए तो इंडिया का कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है वहां पे, तो वो हाईटेक और हाईली सॉट आफ्टर गुड्स भी उधर बेचे जा सकते हैं, इसलिए इस इंडिया को काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और अलायंस भी बिल्ड करने ये मदद करेगा, जैसे पॉलिटिकल अलायंस या फिर सोशल अलायंस, तो इसका ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसमें। तो चलिए हम नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते। तो वहाँ भी न्यूज़ है, न्यूक्लियर एनपीटी। एनपीटी मतलब क्या, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अभी एनपीटी काफी ज्यादा न्यूज में था, तो एनपीटी क्या है, तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मकसद क्या है, तो ये प्रिवेंट करेगा जो स्प्रेड होता है न्यूक्लियर वेपन्स का या फिर वेपन्स टेक्नोलॉजी का, और प्रमोट करेगा कोऑपरेशन को या फिर पीसफुल यूज करना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन या फिर कुछ भी एक्सपेरिमेंट के लिए, पर न्यूक्लियर आर्म्स और एमिनेशंस के लिए नहीं यूज कर सकते, इसका एक मकसद था। तो अच्छा मकसद है, पर इसका प्रॉब्लम क्या पता है, ये जो है ट्रीटी, ये पूरा जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने ये बनाया कि आपको ये डेट के पहले, मतलब 1 जनवरी 1967 के पहले अगर किसी ने टेस्ट किया है न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस, जो कि हमने किया था, आपको पता है हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो ये दिखाने के लिए क्योंकि हम भी कम नहीं है किसी से, और हम एक न्यूक्लियर स्टेट भी, न्यूक्लियर सुपर पावर भी, न्यूक्लियर है हमारे, न्यूक्लियर वेपन्स है हमारे पास, पर इन्होंने ये देखी स्पेसिफिक डेट यही डाल दी क्योंकि हमने तब टेस्ट किया था, और हमें अगर एनपीटी अगर साइन करते हैं तो हमें पूरा बोलने जाएगा कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देने चाहिए, या फिर न्यूक्लियर आप बना नहीं सकते, फिर आपको डिसआर्मामेंट भी करना चाहिए। डिसआर्मामेंट मतलब क्या, आपको जो वेपन्स है वो गिव अप करने चाहिए। तो ये पूरा अलग अलग इन्होंने किससे बना के रखे, मतलब खुद पहले टेस्ट करके हो गए इनके, और अब दूसरों को बोल रहे कि आप टेस्ट मत करिए। और इसमें चार जो यूएन मेंबर स्टेट्स है वो कभी इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया एनपीटी, एनपीटी किसने किसने एक्सेप्ट नहीं किया, तीन तो ऐसे हैं जो पोजेस करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि रहेगा कौन कौन रहेगा, इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल। साउथ सुडान में भी मिला, मतलब मिले थे न्यूक्लियर वेपन्स, पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। मतलब जो पावरफुल P5 है तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो चलेगा, पर इसके अलावा किसी के पास रहेगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसा ये इनडायरेक्टली डोमिनेंस बता रहे हैं ये सबके ऊपर। और ये ट्रीटी के तीन पिलर्स है वो हम देखते हैं अभी। इस तरीके ट्रीटी में इंटरप्रिटेड किया है तीन पिलर सिस्टम, कौन से, तो ये नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट और पीसफुल यूज ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी स्पेशली। नॉन प्रोलिफरेशन क्या है, तो जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रहेंगे तो ना तो वो न्यूक्लियर वेपन्स या फिर कुछ भी अदर एक्सप्लोजिव जो रहेगा न्यूक्लियर डिवाइसेस वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फिर असिस्ट या फिर एनकरेज या फिर इंड्यूस नहीं कर सकते नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर। कि आप अभी देखिए वेपन स्टेट है ये और ये नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो आप पूरा ऐसा बता नहीं सकते कि हमारे पास न्यूक्लियर है तो आप ले लीजिए और हमें ऐसा फोर्स नहीं कर सकते, ये नॉन प्रोलिफरेशन है। और जो ये है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, तो वो तो ये भी है, मतलब आप कुछ जो न्यूक्लियर नहीं है वो भी कुछ नहीं कर सकते, और जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है वो भी नहीं कुछ कर सकते, मतलब दे भी नहीं सकते। तो ये पहला है नॉन प्रोलिफरेशन। फिर बाद में डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मतलब क्या, डिस मतलब क्या निकालना, आर्म्स मतलब क्या जो भी वेपन्स वगैरह रहेंगे तो उसे खारिज करना या फिर कंप्लीट बंद करना, तो वो ही है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात होती है यहाँ पे। मतलब आप न्यूक्लियर यूजेज ही कम कर दीजिए या फिर पूरी तरह बंद कर दीजिए न्यूक्लियर का यूज। तो ये था डिसआर्मामेंट। और अगर अगर आप यूज करते हैं तो उसका पीसफुल यूज होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का। तो ये था तीन
पिलर इनके। और इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया, जैसे आपको पता है कि ये पूरा डोमिनेंस और अपने लिए थ्रेट भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी है, इवन चाइना भी है भले ना बोलो, और हम इंडिया यहाँ पर है। मतलब अगर कुछ इन फ्यूचर कुछ वॉर हो जाता है तो हमारे पास अगर ये नहीं रहा कुछ न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, तो ये पूरा डोमिनेट कर सकते हैं दोनों साइड से। तो इसके लिए ये एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है हमारे ऊपर। और इंडिया ये भी आर्ग्यू करता है कि आप 5 देशों के पास रहेगा न्यूक्लियर वेपन्स और बाकी देशों के पास नहीं रहेगा, ये किस तरह का न्याय हो गया फिर। और ये भी डिस्कस नहीं किया कि ये बिफोर 1967 ही क्यों बताया, ये इसमें कोई वैलिड रीजन भी नहीं बताया कि ये कौन से ग्राउंड्स पर इन्होंने ऐसा डिस्टिंक्शन रखा है। और इंडिया इसे फ्लॉड ट्रीटी भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, ना तो यूनिवर्सल है, ना तो फिर कुछ ऐसा कुछ रिकग्निशन ही नहीं देता है। और वैसे भी हमने अगर साइन भी नहीं किया रहेगा, फिर भी हम जो न्यूक्लियर का पावर का जो है वो हम पीसफुल यूज के लिए ही करते आ रहे हैं अभी तक। तो वो अलग बात है, हमारे पास अलग न्यूक्लियर वेपन भी रखे रहेंगे क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, तो ये तो रहना ही चाहिए। अभी क्या क्रिटिसिज्म है, ऑलमोस्ट यही क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट एनपीटी क्या क्या रहेगा। अभी तक जितने भी साल हो गए एनपीटी के बाद, तो ऐसा देखा जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स है, मतलब जो डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है, तो उनको जनरली क्या हो गया कि एक बड़ा फ्लॉ भी है हम देखेंगे, तो ये अभी न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं क्यों, एक न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वेपन्स के लिए नहीं। तो इनके पास पूरा हब हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स का भी इनडायरेक्टली। ये सबसे बड़ा जायंट लूपहोल है जो कि आर्टिकल 4 में बताया गया है कि एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी एक इनएलियनेबल राइट रहता है इनके पास कि वो परस्यू कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द जनरेशन ऑफ पावर, पावर की जनरेशन के लिए। पर ये सिर्फ नाम के लिए रहेगा क्योंकि सिर्फ पावर की जनरेशन के लिए थोड़ा सा ही लगता है, ज्यादा की जरूरत नहीं रहती है, पर एक हब हो जाएगा ये तो पूरा। और इसे इंडिया ने भी वापस किया जैसे मैंने पिछले इसमें ही कहा, तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं एनपीटी? हाँ तो क्यों? पहली बात तो अपने ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और हमारे ट्रेड में भी ज्यादा बाधाएं आ रही थी कि न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे ट्रेड किया जाए, क्योंकि ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हमने ज्वाइन किया तो हमारा जो बिगेस्ट जो कंसर्न है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, तो हम उसे आराम से हम कर सकते एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा हमारे ऊपर। और जो सभी जो मेंबर्स है जो यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के है, तो उसमें सभी ने एनपीटी साइन किया है ऑलमोस्ट, जो P5 है, तो ये भी एक अच्छा संकेत जाएगा कि हम यूएनएससी के इसमें आ सकते हैं, फिर मेंबर बन सकते हैं हम। तो ये दो रीजन बड़े हैं जिसके ऊपर इंडिया ने अगर ज्वाइन किया तो क्या फायदा होगा। पर नुकसान ये है कि एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगा एनपीटी की वजह से, क्योंकि पहले तो जो P5 है उनके पास ही रहेगा, मतलब P5+1 अभी हम अगर हो गए समझो, तो उनके पास ही हो जाएगा ये सब वेपन जो रहेगा, और बाकी सब लोगों के पास तो कुछ नहीं रहेगा। तो ये इनडायरेक्टली डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेंगे हम, भले इसका यूज हम मतलब ये लोग करेंगे कंस्ट्रक्टिव पर्पजेस के लिए, पर ऐसे कुछ गारंटी नहीं है ना कि हम बस अच्छे यूज के लिए करेंगे। जैसे जो घर में का जो चाकू रहेगा तो हम बस सब्जी काटने के लिए रहेंगे, पर टाइम आने के बाद इसका इस्तेमाल कहाँ पर भी हो सकता है। तो उसी तरह ये ऐसी बात कर रहे हैं। और वैसे भी हमारा इंडिया का पहली सिंपल पॉलिसी की नो फर्स्ट यूज, मतलब हम किसी भी देश के ऊपर हम खुद से पहले अटैक नहीं करेंगे, अगर किसी देश ने हम पर अटैक किया तो हम छोड़ेंगे नहीं उस देश को। ये फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी और उस पर उसी पर हम कायम रहेंगे। तो ठीक है, ये पूरा एनपीटी का पूरा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था ये, और ये काफी डिटेल में समझाना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ इतना बता के नहीं चल सकता था कि ये बस न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्म करने के लिए था। तो इसका थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस हो गया होता है तो फिर अच्छे से आपको याद भी रहेगा, क्योंकि कोई भी इशू अच्छे से याद रखने के लिए उसे समझना इम्पोर्टेंट है। बस इसका डेफिनेशन, हाँ बाबा ये इसके लिए रहेगा, और इसके आजू बाजू कुछ भी क्वेश्चन घुमा तो फिर एनालिसिस इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट इशू की तरफ चलते हैं हम। न्यूज है सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसके ऊपर एक मीटिंग हो गई थी, सार्क चार्टर अभी साइन किया है, तो इसके ऊपर ही सार्क न्यूज में था। तो जो ये सार्क की जो आइडिया है वो 1980s में ही पहले रेज की गई थी, और बाद में फॉरेन सेक्रेटरीज जो है 7 देशों के, कौन से, अफगानिस्तान छोड़ा तो बाकी जो रहेंगे देश, ये देखिए पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये 7ों देशों ने मिलके फर्स्ट टाइम कोलंबो में मीट हो गए थे ये 1981 में। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक रीजनल कोऑपरेशन बनाना पड़ेगा। रीजनल मतलब क्या, ये आजू बाजू के देश जो हो गया, रीजन हो गया पूरा, तो कोऑपरेट करना है हमें अच्छे से। और बाद में अफगानिस्तान ऐड हुआ,
2005 में 13 एनुअल समिट के बाद, और जो हेडक्वार्टर है सेक्रेटेरिएट बोल सकते हैं, तो ये काठमांडू नेपाल में है, ये नेपाल है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो सार्क के अलग अलग ये भी है, स्पेशलाइज्ड बॉडीज भी है, तो वो भी हम देखते हैं अभी। जैसे सार्क पूरा एक रीजनल कोऑपरेशन रहेगा, तो उसमें क्या क्या रह सकता है, जो भी सेक्टर्स रहेंगे अलग अलग, तो उनको कोलैबोरेट करके अच्छे से कोऑपरेशन बढ़ाना रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग ये सब अलग अलग बॉडीज है, जैसे कि सार्क डेवलपमेंट फंड, अभी फंड है मतलब इसका यूज क्या रहेगा, तो प्रोजेक्ट बेस्ड कोलैबोरेशन होना चाहिए, सोशल सेक्टर जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन डेवलपमेंट वगैरह, तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत होगी, तो इसके लिए ये फंड बनाया गया है। फिर बाद में यूनिवर्सिटी है, फिर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल है, जो भी अगर कुछ इन काइंड ऑफ अगर झगड़ा हो गया तो इधर जाना चाहिए, ऐसा आर्बिट्रेशन काउंसिल है ये। तो फिर रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये अलग अलग स्पेशलाइज बॉडीज है इसके। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए सार्क का, तो पहली बात तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, मतलब कि हमारे जो कि हमें पहले नेबर्स भी देखने चाहिए, क्योंकि अगर नेबर अच्छे रहेंगे तो ही हम अच्छे रहेंगे। अगर नेबर काफी सेंटी हो गए, समझो चाइना या पाकिस्तान, तो फिर हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी हम अच्छे से पार कर सकते हैं, ये सिग्निफिकेंस इसका ये रहेगा। फिर जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या, हम काउंटर कर सकते हैं चाइना के ओबोर, मतलब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को, कैसे, तो हम एंगेज कर सकते हैं नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को, कि भाई आप सब मिलके इसे चाइना को अपोज कीजिए, क्योंकि पूरा डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक तरह से हम मिलकर हम अपोज कर सकते हैं चाइना को। फिर एक रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि पीस रहेगा अगर किसी रीजन में, तो उसके वजह से ट्रेड भी बढ़ सकता है और बाकी पूरी ग्रोथ भी हो सकती है। अगर पीस ही नहीं रहा, जैसे सीरिया देख सकते हो आप, तो वहां पे तो काफी ज्यादा वायलेंस हो रहा है, तो उसमें अगर आपको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जाना पड़ेगा, मतलब जाना है और वहां ट्रेड करना है, तो वो 10 बार सोचेगा इधर जाने के लिए, क्योंकि काफी इंस्टेबल अनस्टेबल कंट्री है ये। तो इसलिए रीजनल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। फिर ग्लोबल लीडरशिप रोल, अभी इंडिया के लिए एक अच्छा शोकेस रहेगा ये, पूरा लीडरशिप क्वालिटी दिखाने के लिए, और अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ा सकता है इंडिया, और इंडिया की जो एक्टिस्ट पॉलिसी भी है उसे भी एक गेम चेंजर ठहरा सकता है, क्योंकि अगर हम साउथ एशियन इकोनॉमी से कनेक्ट हो गए तो और फर्दर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा और प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ जाएगी, मेनली सर्विसेज सेक्टर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। तो ठीक है, हम नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते हैं। तो अभी है SCO। SCO क्या है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2022 में समिट हो गई थी, कहाँ पे, समरकंद उज्बेकिस्तान, यहाँ पे देख सकते हो उज्बेकिस्तान यहाँ पे, और इसमें 9 मेंबर्स थे करंटली। ईरान अब भी परमानेंट रिसेंटली एक्सेप्ट किया है एज अ परमानेंट मेंबर, मतलब ईरान भी अभी आ गए हैं इसमें, नहीं ईरान पर ईरान भी आ गए हैं, हो गए टोटल 9 कंट्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, इंडिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ये सब 9 कंट्रीज हो गए। तो SCO क्या है, तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्रिएट किया गया था 2001 में, और SCO का चार्टर है वो जो साइन किया था 2002 में, और फोर्स में कब आया, 2003 में। तो फोर्स में आने के बाद ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम क्या है, तो पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी लाने के लिए, मतलब जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं तो उनका मेन मकसद तो मेजरली यही रहता है। और ये काउंटर वेट है, मतलब एक काउंटर करने के लिए बनाई गई थी, किसको, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को, नाटो, जो कि एक 9 मेंबर इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक है और एक लार्जेस्ट ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो आपको पता रहेगा, नाटो गाना नहीं है, नाटो नाटो नाटो, ठीक है। तो नाटो का मेन मकसद क्या है, अगर ये जो देश है जितने भी नाटो के अंदर, USA और यूरोप जो मिलके है एक पैक्ट बनाया है, कि अगर किसी भी कंट्री ने इनके ऊपर हमला किया तो ये सब मिलकर उसी कंट्री पर हमला कर सकते, इनडायरेक्टली भाईगिरी बोल सकते हैं आप, कि तुमने हमारे किसी भी एक बंदे को मारा तो हम पूरे बस्ती को उड़ा देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप में ये। तो पर ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है ये पर, और ठीक है। तो ये था पूरा नाटो के बारे में। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से इसके अंदर SCO के, रशियन और चाइनीज है। और परमानेंट बॉडीज कौन से, तो SCO सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है, और एक रैट्स, रैट्स आप याद रखिएगा, चूहे, चाइनीज लोग चूहे बहुत खाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, देखिए गुटखा बनाने वाला ही हॉस्पिटल खोलने वाला ऐसा हो गया, ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ताशकंद में है, तो ये आप याद रखिए रैट्स। SCO का सेक्रेटरीट बीजिंग में और रैट्स का ताशकंद में, ये आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और जो चेयरमैनशिप होती है वो रोटेशन के बेसिस पर चेंज होती रहती है हर साल मेंबरशिप्स में। अब इसमें इंडिया पार्ट है क्या, तो है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों 2017 में बने थे, हम देखेंगे आगे। अब इसका जेनेसिस, इसका मतलब
ये आया कैसे? तो इसका क्रिएशन जैसे मैंने बताया 2001 में हो गया था। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान पहले मेंबर्स थे, शंघाई फाइव बोला जाता था इन्हें, तो शंघाई फाइव इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में धीरे धीरे सभी अलग अलग जो मेंबर्स है वो ऐड होने लग गए, और बाद में इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ऐड हुआ था। अभी जो करंट मेंबर्स है आप देख सकते हैं इतने हैं, और ईरान जो है अभी रिसेंटली परमानेंट मेंबर बना है 2023 में। तो ठीक है, ये पूरा था एससीओ के रिगार्डिंग। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इश्यू की तरफ। तो अभी है न्यूज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है? तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। तो किसके लिए? टू एंकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द आरएफई। आरएफई मतलब क्या? रशिया का फार ईस्ट। रशिया का फार ईस्ट मतलब ये रीजन पूरा, रशिया फार ईस्ट बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या रहेगा? तो इकोनॉमिक पोटेंशियल रहेगा, सुटेबल रहेगा बिजनेस कंडीशंस के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, मतलब इन शॉर्ट ये रीजन को डेवलप करना है। और इसके जो एग्रीमेंट्स है वो भी काफी बढ़ गए थे 2017, मतलब 217 2017 में आए थे, मतलब देखिए कितना क्लोज है। और बाद में 380 एग्रीमेंट हो गए 2021 में, जो कि 3.6 ट्रिलियन रूबल्स थे। और इसका एग्रीमेंट का फोकस क्या रहता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल एक्सकेवेशन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इसके लिए। और की प्लेयर कौन से हैं इसमें? तो चाइना, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया एक की प्लेयर का रोल प्ले करेंगे इस रीजन में, क्योंकि और इसमें जो चाइना है वो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट रखता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, चाइना इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन ईयर, हमें लगेगा नहीं रहेगा रशिया है तो क्या क्यों करेगा ये, पर नहीं, ये थोड़ा जब डेवलपमेंट की बात आती है, पैसों की बात आती है तो करना ही पड़ेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वो इन्वेस्ट कर सकता है। और चाइना क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहा है? तो उनके लिए एक पोटेंशियल दिखता है कि जो चाइनीज बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है उसे सहारा देने, मतलब ये चाइना भी ऐसे नहीं इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, तो उनका भी कुछ ना कुछ तो मकसद रहेगा। और पोलर सी रूट, पोलर सी रूट मतलब क्या? यहाँ से ऊपर से जाके इधर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, तो इसके लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। और जो चाइना के इन्वेस्टमेंट है ये रीजन में ऑलमोस्ट 90% है टोटल इन्वेस्टमेंट में से, मतलब 3.6 ट्रिलियन का 90% निकाला ना, ऑलमोस्ट 2.7 या 2.8 तक जाता है, मतलब पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट उन्होंने ही किया है ऐसा बोल सकते हो। 10% तो कुछ भी नहीं है बाकी देशों के सबके कंपेरिजन में। तो ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हम देखते हैं अभी। जैसे किसी भी कंट्री को अगर बड़ा कुछ मतलब बड़ा बनना रहेगा तो उसको दो दो से तीन पैरामीटर्स पर काम करना पड़ता है। एक तो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी तब आपका जो ट्रेड है वो भी बढ़ता है, आपके पास फॉरेक्स भी ज्यादा आता है और आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसी के लिए रशिया भी वैसे ही कर रहा है, उनका मेन मकसद तो ये। और एक कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी भी बढ़ानी चाहिए, अगर कनेक्टिविटी अच्छी रही तो ट्रेड भी अच्छा होगा, उससे इकोनॉमिक्स भी बढ़ेगी। तो उसके लिए तो इसलिए रशिया भी स्ट्रेटेजिकली पूरा डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा रशिया को? तो जो एशियन है नीचे के जो कंट्रीज है सब आपने देखा रहेगा मैप में, तो उससे कनेक्ट हो गया तो उनका ट्रेडिंग रूट भी काफी आसान हो जाएगा। और फास्ट मॉडर्नाइजेशन सिटीज जैसे कि व्लाडिवोस्टोक, ये अलग अलग नाम है रशिया के, तो वो अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को भी। और अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो उसे सरवाइव करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहता है स्टेप। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था यूपीएससी 2015 में, इंडिया इज मेंबर ऑफ विच ऑफ द विच अमंग द फॉलोइंग, एपेक, एशियन ईस्ट एशियन समिट। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है, थोड़ा पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर है एशियन में तो नहीं है, ना ही एपेक में है, तो आंसर हो गया थ्री। थ्री मतलब ये सी नहीं, बी होता है, बी थ्री ओनली। तो ठीक है, नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते हैं। तो अब इश्यू है इंडस वाटर सिटी का। तो ये क्या है? तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर इंडस रिवर है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, यहाँ से निकलती है ऑलमोस्ट, यहाँ से निकलती है ठीक है हिमालय से, और यहाँ से जाके इनके पांच ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। अभी देखिए पाकिस्तान यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, तो ये दोनों के बीच में रिवर्स है। तो इसमें काफी ज्यादा मतभेद हो रहे थे कि ये हमारी रिवर है, आप ऐसे कैसे रोक सकते हो, और आपने ये पानी रोका है, हमारा इतना नुकसान हो रहा है। और क्योंकि इसका ओरिजिन यहाँ से, तो इसमें काफी ज्यादा तुतुमे हो रही थी, तो इसीलिए ये पूरा जो इशू है वर्ल्ड बैंक की तरफ गया था। और एक 1960 से लेके उसके बाद 9 सालों तक ये क्वेश्चन निगोशिएशन चला कि किसके पास क्या रहेगा। तो 9 साल के बाद एक मैकेनिज्म किया कि आप कोऑपरेट करेंगे और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे दोनों साइड से, मतलब क्या जो वेस्टर्न रिवर्स है चेनाब, झेलम, इंडस, मतलब CGI याद रखिए, इसके ऊपर इंडिया का काफी लिमिटेड राइट्स रहेगा इसके ऊपर, जैसे कि सर्टन इरिगेशन, रन ऑफ वाटर पावर प्लांट, कम लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक और नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए ये कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है इन रिवर्स के ऊपर। ऐसा भी बोल सकते हो कि ये पाकिस्तान की तरफ है,
इन शॉर्ट, और ये इंडिया की तरफ है, RBS आप याद रखिए, रॉयल बेंगलोर, ऐसा कर सकते हो कुछ भी, मतलब RBS, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर ये पूरी तरह से हम इसके ऊपर मतलब पूरी तरह हम इसे यूज कर सकते हैं, RBS मतलब ये रवि व्यास सतलज, यहाँ पे आप देख सकते हो सतलज। तो ये था पूरा इंडस वाटर ट्रीटी। तो ठीक है, नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते हैं। तो अभी न्यूज है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। तो FATF क्या है? तो ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वॉच डॉग है। मतलब क्या, जो भी ये इलीगल एक्टिविटीज होते रहेंगे, टेररिस्ट फाइनेंसिंग बोलो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग बोलो, तो उसे रोक करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उसे एग्जामाइन करने के लिए और उसके ऊपर कॉम्बैट करने के लिए ये सब। तो पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है उसे कॉम्बैट करना, पर जैसे USA पर अटैक हुआ 9/11 का, ओसामा ने किया था, तो उसके ऊपर जैसे इनको अटैक हो गया तो इन्होंने फटक से बोला कि नहीं 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 हमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी अभी कॉम्बैट करना चाहिए। तो टेररिस्ट लोगों के भी अभी खैर नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हुआ मतलब पूरे वर्ल्ड पर ही हुआ इन शॉर्ट। तो ऐसा ही है। और 2012 में इन्होंने और एफर्ट्स डाल के एक काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है, तो ठीक है इसके ऊपर क्या है, तो इसके मेंबर्स कौन है और इसके ऑब्जर्वर्स कौन है, हम देखते हैं। अभी बस स्टेटमेंट आ सकता है कि इसके मेंबर्स क्या कितने हैं। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो 10 मेंबर्स हैं, जो मेजरली जो फाइनेंशियल सेंटर्स रहेंगे सभी पार्ट्स के, ग्लोब के सभी ग्लोब के पार्ट्स में। तो इसमें कंट्रीज कौन से कौन से, यहाँ पे आप देख सकते हो 39 कंट्रीज है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया का स्टेटस क्या है इसमें, तो इंडिया ने एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है 2006 में, और अभी 2010 में, मतलब अभी मतलब 2010 में फुल मेंबर है FATF का, मतलब FATF का मेंबर है क्या इंडिया, तो है। अभी ऑब्जर्वर कौन है, इंडिया इज द इंडोनेशिया इज द ओनली ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ FATF, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और कुछ कुछ काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है FATF में, जैसे कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, ये सब, OECD, UNCTD, UNODC, WCO, तो ये सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। तो FATF में एक दो लिस्ट आती है, एक ग्रे लिस्ट आती है और एक ब्लैक लिस्ट आती है, वो क्या है हम देखते हैं अभी। तो अब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होते हैं FATF के, तो FATF प्लेनरी जो कि 3 बार मिलती है हर साल, जो कि फरवरी, जून और अक्टूबर में, तो एक म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट्स निकालते हैं हर एक कंट्रीज के ऊपर, और उस पर एक रिव्यू देते हैं। मतलब क्या, अगर कोई कंट्री मेजर डिफिशियंसी या फिर मतलब AML और CFT रेजिम करती है, AML और CFT मतलब क्या, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कॉम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, मतलब टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे या फिर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे, तो उसके ऊपर एक ज्यूरिसडिक्शन लगाया जाता है और इंक्रीज मॉनिटरिंग भी किया जाता है उसके ऊपर, तो उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। और इससे भी स्ट्रिक्टर ज्यूरिसडिक्शन लगाने के बाद उसे, मतलब हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन लगाने के बाद वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा लाइटर नोट पे ग्रे लिस्ट, अगर ये भी माना नहीं तो सीधा ब्लैक लिस्ट। अगर उन्हें ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है या फिर ब्लैक लिस्ट से निकलना है, तो हर एक कंट्री को एक टास्क दिए जाते हैं कि वो टास्क रिकमेंड किए जाते हैं FATF द्वारा, तो वो टास्क अगर फुलफिल किए जाते हैं हर एक कंट्री द्वारा, तो उसे ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में से निकाला जा सकता है, अगर FATF सेटिस्फाई हो जाती है उनके प्रोग्रेस से तब। तो ग्रे लिस्ट क्या है, जैसे कि आपको पता है कि उसे कहा जाता है कि वो टेरर को फंडिंग कर रही है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, तो उसे एक सीवियर वार्निंग दी जाती है कि आप अगर अच्छे से अगर बर्ताव नहीं करोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है ग्रे लिस्ट के बाद। और ब्लैक लिस्ट में क्या क्या आता है, तो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज दैट सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। अभी तक ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार को, तीनों को ब्लैक लिस्ट कंट्रीज में डाला गया है, और म्यांमार को अभी क्यों रिसेंटली डाला गया है, तो उनका मिलिट्री लीडरशिप की वजह से 2021 में कूप किया था, और अभी रिसेंटली FATF में से पाकिस्तान को निकाला गया था, इसीलिए ये न्यूज में था, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छे प्रोग्रेस किया था इसलिए। तो ठीक है, नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते हैं। अभी न्यूज है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की। नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे जर्मनी, तो इन दोनों के बीच में एक पाइपलाइन है पानी के द्वारा, मतलब ये बाल्टिक सी थ्रू जाता है। अभी बाल्टिक सी चर्चे में रहेगा तो फिर इसके आजू बाजू के कंट्रीज भी देखना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉन से जाता है या नहीं। कैप्रिकॉन आएगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं आता है, क्योंकि क्या इक्वेटर के नीचे रहता है और इक्वेटर के ऊपर है। तो ठीक है, तो इसमें आजू बाजू के कंट्रीज कौन से है वो आपको याद रखना रहेगा, स्वीडन है, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआना, रशिया तो है ही, पोलैंड है, जर्मनी तो है ही, फिर डेनमार्क थोड़ा आगे जाता है, फिर स्वीडन, तो ठीक है इतने सारे कंट्रीज है, फिनलैंड है। एक बार आप पूरा मैप देख लीजिए बाल्टिक सी के अराउंड कौन से कंट्रीज है, क्योंकि काफी चर्चे में है।
और नॉर्ड स्ट्रीम जो है वो दो लाइन से बनाया गया है, एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक डार्क लाइन है यहाँ पे और डॉटेड लाइन है, तो ये दो लाइन है। तो नॉर्ड स्ट्रीम वन जो है वो वायबॉर्ग, ये आप याद रखिए, वायबॉर्ग से लेके ग्रिप्सवाल्ड तक है और जर्मनी का एक ही लोकेशन है, जी का जी याद रख सकते हो आप, और रशिया का दो है, वीयू यूवी कर सकते हो आप, यूवी और जीजी ऐसा याद रख सकते हो, वायबॉर्ग और ये उस्तलुगा। नॉर्थ स्ट्रीम टू उस्तलुगा से यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिप्सवाल्ड तक है। अभी रिसेंटली गैस लीक्स के दिखाए गए, यहाँ पे आप देख सकते हो गैस लीक्स यहाँ पे हो गया था, तो इसके वजह से ये चर्चे में था, ये नॉर्थ स्ट्रीम क्या है और किसके बीच में और ये कौन से पाइपलाइन है, तो ये गैस पाइपलाइन है। तो ठीक है, नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते हैं। तो अभी इशू है एशियन का, एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन हो गया। तो ये क्या है, कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टैब्लिश किया गया था पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी के लिए और राइजिंग टेंशन अमंग एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, मतलब ये दो, ये जो आप देख सकते हो मैप में, तो इनमें टेंशन कम करने के लिए एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। अभी इतने कंट्रीज याद कैसे करोगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है, टीवी क्लिप ऑफ एमएमबीएस, मतलब एमबीबीएस भी याद रख सकते हो या फिर एमएमबीएस। टीवी मतलब क्या, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, बी से क्या है ब्रुनेई, और ऐसे क्या हो सकता है सिंगापुर। तो ठीक है, टीवी क्लिप ऑफ एमएमबीएस कर सकते हो आप, ऐसे याद रख सकते हो कि इतने कंट्रीज है इसमें। तो इसका मोटो क्या है, तो वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। 8 अगस्त एशियन डे मनाया जाता है, एशियन का सेक्रेटरिएट इंडोनेशिया जकार्ता में है, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है इसे। सिर्फ ऐसा भी आ सकता है, आसियान मैच द फॉलोइंग में बैंकॉक डिक्लेरेशन देंगे, फिर दूसरे दूसरे कौन से भी डिक्लेरेशन रहेंगे वो थोड़ा सा याद रखिएगा आप। तो अभी रिसेंटली 24th एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हो गई थी जो कि दिल्ली में होस्ट किया गया था, और इंडिया और आसियान ने सेलिब्रेट किया 30th एनिवर्सरी उनका डायलॉग रिलेशंस का, तो इसलिए ये चर्चे में था, उसके रिगार्डिंग ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। तो ठीक है, नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते। अभी रिसेंटली G20 समिट ऑर्गेनाइज हुई थी, तो ये 17th एनुअल समिट थी जो कि इंडोनेशिया में हो गई थी, ये बाली में, और इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, और इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी का चार्ज ले लिया है G20 प्रेसिडेंसी का। और जो 18वीं समिट रहेगी 2023 में, मतलब ये साल में, तो वो वहाँ पे हम प्रेसिडेंट रहेंगे इंडिया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है G20 के लिए। अभी G20 का फॉर्मेशन कैसा हुआ, तो G20 ऐसे रख सकते 20-1 19, मतलब 1999 में ये फॉर्मेशन हुआ था। और ये क्यों बनाया गया था, जैसे हमारा है कि जैसे आपका वजन ज़्यादा बढ़ जाता है कभी, तो हम फटक से फिर जिम करते हैं या फिर डाइट कम करते हैं, वैसा वैसा ही जब तक कुछ क्राइसिस आता नहीं तब तक हम कुछ स्टेप्स नहीं उठाते, तो वैसा ही हो गया। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे 1990s में, जैसे ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था ये, तो उसके वजह से इसके बैकड्रॉप में इसे सिक्योर बनाने के लिए, एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के लिए जो कि मिडिल इनकम कंट्रीज के है, तो उन्होंने ये सब समझौता किया और बनाया बनाया G20 जो कि 60% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है और 80% ग्लोबल GDP कवर करता है और 75% ग्लोबल ट्रेड। और इसमें मेंबर्स कौन से यहाँ पे आप देख सकते हो, G7 में कौन है, G8 में कौन है और G20 में कौन है। G7 में ये 7 है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA, उसमें और एक ऐड किया रशिया, तो G8 हो जाएगा, मतलब G7 में रशिया नहीं है ऐसा रख सकते हो आप। फिर G20 में सब ही है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन एक है क्योंकि इसमें 27 या 28 देश है, पर ये दोनों का सबका एक ही रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन यूनियन। फिर इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की। और इस पर 2020 में UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा है, वो हम देखते हैं अभी। तो G20 में कौन से कंट्रीज आते हैं, ये पूरे चार कंट्रीज कौन से आते हैं ये ग्रुप्स में बताओ, तो ये देख सकते हो आपको ऑप्शन है। तो इंडोनेशिया था, जापान भी था, सिंगापुर भी था, साउथ कोरिया नहीं था, फिर ब्राज़ील है, ईरान थोड़ा डाउटफुल है, सऊदी अरेबिया है, वियतनाम भी शायद है क्या, नहीं ये पता नहीं, ये थोड़ा डाउटफुल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो ये तो गया, मतलब ये दो तो गए, अभी ये दोनों में है, अर्जेंटीना है, मेक्सिको है, साउथ अफ्रीका, तुर्की है, मतलब ये आंसर हो गया। ये काफ़ी ट्रिकी था, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर आपको पता रहेगा तो भी आप सॉल्व करिएगा। और जनरली देखिए पिछले इसमें मैंने हाईलाइट किया है मिडिल इनकम,
तो मिडिल इनकम को कैसे, कौन से कंट्रीज रहेंगे? तो सऊदी अरब में तो मिडिल इनकम नहीं रह सकता, पर चांसेस है, पर इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, ये भी गया ये भी गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा मिडिल इनकम कंट्रीज लगते हैं। देखिए तुर्की, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, मतलब इसमें कोई मेजर डेवलप कंट्री जैसा दिख रहा नहीं इसमें, थोड़ा बहुत तो न्यूजीलैंड तो क्या संबंध नहीं आता, तो ये भी गया। वियतनाम है शायद, सऊदी अरेबिया, ईरान, ब्राजील, ठीक है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन, तो नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते हैं। अभी इशू का है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ये बी हो गया, ये आई हो गया, और मल्टी सेक्टोरल एम हो गया, एस हो गया, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर्स है, 5 जो है वो साउथ एशिया से है, कौन से कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और 2 जो है साउथ ईस्ट एशिया से, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि म्यांमार और थाईलैंड है, ये 2, और ये साउथ ईस्ट एशिया से पूरे हो गए, ये भी आता है। तो ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 6 जून 1997 को आ गया था, कौन से डिक्लेरेशन से? तो बैंकॉक, ये बैंकॉक से आया, और इसके पहले कौन सा था वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और 21.7% वर्ल्ड का पॉपुलेशन इसमें कंसिस्ट होता है, ग्रॉस जीडीपी कितना है इसका? तो 3.8 ट्रिलियन तक का है, और इसका सेक्रेटरिएट कहाँ पे? तो ढाका में, यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में कौन से है, जैसे कि मैंने बताया आपको, एमटी याद रखिए इधर, और ये 7 नेबरिंग कंट्रीज तो है ही अपने, मतलब 7 नेबरिंग प्लस श्रीलंका और थाईलैंड कर सकते हो, वैसे 5, मतलब पाकिस्तान नहीं है और चाइना नहीं है, ये 2 नहीं है, बाकी सब नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते हैं। तो अभी आईआर के वन लाइनर्स हैं, तो चाइना का वन कंट्री टू सिस्टम्स ये पॉलिसी चल रही है काफी चर्चे में, तो वन कंट्री मतलब क्या? एक देश है और 2 सिस्टम है, 2 सिस्टम कैसे? तो हांगकांग और मकाओ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, ये दोनों फॉर्मर कॉलोनीज हैं, और इनके दोनों के अलग अलग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स है मेनलैंड चाइना से, तो इसलिए ये पार्ट तो है चाइना का, पर इनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है वो अलग अलग है, इसलिए इसको कहा जाता है वन कंट्री टू सिस्टम्स। और रिसेंटली चाइना और नेपाल ने, उन्होंने कंसेंट दिया है कि आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, बस इतना आ सकता है, और ये कौन से दोनों देश के बीच में है वो भी आ सकता है, और ये मैप में आप जरूर देखिएगा ये डाल के, क्योंकि इसके लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और चाइना USD 118 मिलियन भी देगा असिस्टेंस नेपाल को उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसकी PDF मैंने टेलीग्राम लिंक में डाल दी है, तो वहाँ पे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे, वीडियो के नीचे आप देख सकते हो टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और PDF ले सकते हो, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।